हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार थर्ड ग्रेड मेंस एग्ज़ाम के लिए और सीईटी एग्ज़ाम के लिए और आपके आरएएस, कॉन्स्टेबल, पटवारी सभी एग्ज़ाम्स के लिए लगातार क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ। हम बात कर रहे थे सीईटी के अंदर, जो सीईटी सेकेंड है हमारा सीनियर सेकेंडरी लेवल का, उसके साइंस के सिलेबस में दे रखा है आपके केमिस्ट्री का पोर्शन। और फर्स्ट पोर्शन अपने क्या दे रखा था केमिस्ट्री में, क्या दे रखा था जल्दी से बताइए, तो दे रखा था भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, अपचयन और ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, और आपके दे रखा है उत्प्रेरक। अपन बात कर रहे थे कल लास्ट क्लास के अंदर, बात कर चुके थे ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में। आज अपन उन्हीं ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं की बात करेंगे, लेकिन उसके अंदर मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रियाएं क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के आधार पर पहली अपन बात कर रहे हैं किसकी, तो पहली बात कर रहे हैं ऑक्सीकरण की। तो आप बात करेंगे ऑक्सीकरण, किसकी बात करेंगे ऑक्सीकरण, आप अपनी कॉपी में लिखेंगे ऑक्सीकरण, ठीक है। चलिए, ये ऑक्सीकरण क्या होता है, तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें आपके कोई तत्व यानी कि एलिमेंट, परमाणु यानी एटम या आयन या फिर कोई अणु है मॉलिक्यूल, उसमें से इलेक्ट्रॉन अगर त्याग रहा हो, क्या कर रहा हो वो, अपना इलेक्ट्रॉन त्याग रहा हो, तो आप कहेंगे कि उस परमाणु का क्या हुआ है, उस परमाणु का ऑक्सीकरण हुआ है, या उस तत्व का ऑक्सीकरण हुआ है, या उस आयन का ऑक्सीकरण हुआ, या उस अणु का ऑक्सीकरण हुआ। यानी इलेक्ट्रॉन त्यागना किसका प्रतीक है, ऑक्सीकरण का प्रतीक है। तो अब आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए कि ऐसी अभिक्रिया, ऐसी रिएक्शन, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें तत्व, परमाणु, आयन या अणु, ठीक है, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें तत्व है, परमाणु है, आयन है या कोई अणु है, वो इलेक्ट्रॉन को त्यागे, अणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है त्यागता है, तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण कहलाती है। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। तो ऐसी अभिक्रिया है जिसके अंदर तत्व, परमाणु, आयन या अणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ऑक्सीकरण कहलाती है। इसका एग्जांपल देखें तो देखिए, जैसे अपने पास में था सोडियम, इस सोडियम ने क्या करा, अपना एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो ये बन क्या जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है तो पॉजिटिव साइन आ जाता है, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है तो ये E माइनस इसके साथ जुड़ जाएगा। ऐसे ही अगर अपने पास में है, सपोज करिए Fe+2 है ना, आपका आयरन किस में है +2 ऑक्सीडेशन स्टेज के अंदर अगर है, ऑक्सीकरण संख्या कितनी है इसकी +2, और इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, यानी यहाँ बढ़ जाएगा प्लस, तो ये +3 हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन, क्लियर है, तो ये क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। जब अपने कोई भी तत्व, परमाणु या आयन या अणु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा तो आप उसे ऑक्सीकरण कहोगे। यहाँ तक की बात आप लोगों के अगर समझ में आ गई है तो आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपने बात करेंगे इससे आगे की बात, ठीक है, क्लियर है। और आप इसको अगर ऐसे पता नहीं चले तो आप कैसे कह सकते हो, तो आप ये भी कह सकते हो कि ऑक्सीकरण की अभिक्रिया के अंदर क्या होगा, जो उदासीन परमाणु होगा वो धनायन बनता है, ये आप ऐसे है ना वो पहचानने की एक ट्रिक कह सकते हो। तो क्या लिखोगे कि
उदासीन परमाणु, उदासीन परमाणु किस में चेंज हो रहा हो? उदासीन परमाणु अगर चेंज हो रहा हो आपके धनायन में, यानी धनायन परमाणु में, समझे बात? तो ये देखो, सोडियम उदासीन था, उदासीन से क्या बन गया? धनायन परमाणु बन गया, ठीक है। या फिर आपके दूसरी चीज क्या है, धनायन के ऊपर अगर पहले से ही कोई धनायन परमाणु है, धनायन परमाणु पर आवेश बढ़ना, क्या बढ़ना? आपके आवेश बढ़ना, यानी अगर किसी के ऊपर, जैसे देखो ये प्लस टू था, प्लस टू की जगह अगर प्लस थ्री, प्लस फोर, प्लस फाइव, प्लस सिक्स हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि वहाँ ऑक्सीकरण है। या फिर आप तीसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर अपना कोई ऋणायन था, क्या? ऋणायन परमाणु, तो ऋणायन परमाणु के ऊपर अगर आवेश कम हो, आवेश कम हो, तो आप कहोगे ऑक्सीकरण। तो ये आपके सामने एक ट्रिक है। देखो ऑक्सीकरण, ये ऋणायन वाला मैं इधर एग्जांपल लिख रहा हूँ, तीसरा, तीनों के एग्जांपल हो जाएंगे। तो ये एग्जांपल है, सपोज करिए 2Cl-, तो इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि इसमें से एक Cl- ने एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा, तो दो Cl- है तो दो इलेक्ट्रॉन त्यागे होंगे, तब Cl2 उदासीन अवस्था के अंदर आया है। इसका मतलब क्या हुआ? आप अगर और शॉर्ट में यहाँ एक लाइन के अंदर लिखना चाहें, तो इसका मतलब है उदासीन जो होगा, इधर इसको मिटाते हैं, देखो क्या हो रहा है, बेसिकली उदासीन जो होगा, जिसको मैं ऊ लिख रहा हूँ, तो उदासीन किस में कन्वर्ट होगा? धनायन में, ठीक है। और अगर कोई ऋणात्मक है तो वो उदासीन में कन्वर्ट होगा। ये प्रोसेस अगर चल रहा हो तो आप कहोगे क्या? ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें तत्व, परमाणु, आयन या अणु इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, तो ऑक्सीकरण कहलाती है। जैसे सोडियम से सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, आयरन से आयरन प्लस टू से आयरन प्लस थ्री प्लस इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही 2Cl- से Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई बात? उदासीन परमाणु अगर धनायन बन रहा है, धनायन परमाणु के ऊपर आवेश बढ़ रहा है, या ऋणायन परमाणु के ऊपर आवेश की मात्रा कम हो रही है, देखो यहाँ माइनस वन थी, यहाँ जीरो हो गई, तो ये कम हो गया ना आवेश, तो ये आवेश कम हो रहा हो, ये तीन अगर कंडीशन है, तो आप सीधे सीधे कह सकते हो कि आपका क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है, ठीक है। चलो अब बी ऑप, अपने जो डेफिनेशन इसके अपोजिट, ऑक्सीकरण के बाद में क्या आ जाएगा? अपचयन। तो अब बात करते हैं अपचयन यानी रिडक्शन की। तो अपचयन यानी रिडक्शन क्या कहता है? रिडक्शन कहता है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें तत्व, परमाणु, आयन, अणु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करे, क्या करे? इलेक्ट्रॉनों को अपने पास में लाए, ग्रहण करे, तो आप कहोगे अपचयन। तो आप इसके अंदर क्या लिखोगे? ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें तत्व, परमाणु, अणु या आयन, तत्व, परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण करता है, अपचयन कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? अपचयन कहलाती है। समझ में आई बात यहाँ तक कि आपके? बहुत अच्छे से। तो ऐसी अभिक्रिया है जिसमें तत्व, परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा हो, तो उसे हम कहते हैं अपचयन। क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं।
जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, आपके पास में है क्लोरीन माइनस, ठीक है, सॉरी क्लोरीन माइनस तो बनाना है, क्लोरीन है, क्लोरीन के साथ में एक इलेक्ट्रॉन अगर जुड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा तो प्लस वन, यहाँ जो है इसके ऊपर चार्ज कितना है अभी तो जीरो, जीरो के साथ में जब एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो Cl के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, Cl के ऊपर माइनस साइन आ जाएगा, है ना, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। जैसे एक और है MnO4- माइनस है, इसने अगर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा MnO4-2। समझ में आई बात। ऐसे ही सपोज करो अपने पास में है Mg+2 और Mg+2 ने अगर दो इलेक्ट्रॉन ऐड करे, कितने, दो इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस टू है और ये दो माइनस के इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये जीरो बना देंगे, यानी मैग्नीशियम उदासीन हो जाएगा। समझ में आई बात। तो आप इसके अंदर क्या होता है कि जब आपके परमाणु है, अणु है, आयन है, वो क्या करे, तत्व है, तो क्या करेगा, जब इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा तो अपचयन कहलाता है। तो इसके अंदर भी वही तीन प्रोसेस है, ठीक है, उसके अंदर क्या हो जाएगा, उदासीन जो होगा वो तो ऋणायन बनता है, ठीक है, उदासीन क्या बनेगा, ऋणायन बनेगा, क्लियर है। और अगर कोई ऋणायन है ऑलरेडी तो उसके ऊपर आवेश बढ़ेगा, ऋणायन पर आवेश बढ़ता है, ठीक है, क्या होता है, आवेश बढ़ता है। और तीसरा पॉइंट आ जाएगा, अगर कोई धनायन है अपने पास में तो धनायन पर आवेश, धनायन पर आवेश कम होता है, ठीक है, क्या होगा, आवेश कम होगा। इस तीनों लाइनों के एग्जांपल देख लो, उदासीन से ऋणायन, तो देखो Cl है वो क्लोरीन है, वो उदासीन था, उदासीन से क्या हो गया, ऋणायन बन गया, तो ये एक अपचयन है। फिर ऋणायन है तो उस पर आवेश बढ़ेगा, तो देखो इधर माइनस वन था तो माइनस वन से माइनस टू हो गया, यानी बढ़ गया, और इधर देखो प्लस टू से जीरो हो गया, तो धनायन से आवेश कम होगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें उल्टा प्रोसेस होगा, उदासीन से क्या बनेगा, उदासीन से बनेगा पहले ऋणायन, ठीक है, और अगर कोई धनायन है तो वो धनायन कन्वर्ट होगा उदासीन के अंदर। ये किस में होगा, ये होगा आपके अपचयन में, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो आपके ऑक्सीकरण में क्या होगा, ऑक्सीकरण के अंदर होता है कि आपका तत्व, परमाणु या अणु या आयन क्या होगा, पहले धनायन बनेगा और ऋणायन है तो उदासीन बनेगा, जबकि आपके जब अपचयन अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, उदासीन बनेगा ऋणायन और धनायन बनेगा उदासीन, ठीक उसका उल्टा। समझ में आ गई बात। अब जिस भी अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया एक साथ होती है, कोई भी अभिक्रिया हो, अगर उसके अंदर अपचयन और ऑक्सीकरण की अभिक्रिया एक साथ हो रही है तो उसे हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि आपके कौन सी अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया, या उसे इंग्लिश में कहा, हिंदी में कहा जाता है उपोपचय, अपोपचय, क्या कहा जाता है, अपोपचय, या आप इंग्लिश में याद रखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, जिसके अंदर आपका ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ में होता हो। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, ये जिंक लिया, जिंक का रिएक्शन करवाया अपन ने कॉपर सल्फेट के साथ में, किसके साथ में, कॉपर सल्फेट के साथ में, तो ये क्या करता है, जिंक सल्फेट बना देता है ZnSO4 बना देता है और कॉपर को जो है बाहर भगा देता है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो कॉपर के तो क्या होगा, तो कॉपर का तो हो गया अपचयन, क्या हो गया, अपचयन हो गया। समझ में आई बात।
कॉपर का क्या हुआ, अपचयन हो गया, और जिंक का क्या हो जाएगा, तो जिंक का हो जाएगा ऑक्सीकरण, क्या हुआ, ऑक्सीकरण हो गया। तो जब अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होते हैं दोनों, तो उन अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया या अपोपचय अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गई बात। इसके अंदर देखिए क्या हो रहा है, बेसिकली ये है ZN, जबकि ये है ZnSO4। आपको बता दूं CuSO4 जो है इसके अंदर कॉपर जो है वो किसके अंदर है, तो कॉपर है आपके +2 स्टेज के अंदर, क्योंकि जो ये सल्फेट होता है इसके ऊपर -2 चार्ज होता है। अब ये -2 से 0 में कन्वर्ट हुआ, इसका मतलब ये जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेज के अंदर था, कौन, कॉपर, और कन्वर्ट होकर के कहाँ चला गया, 0 में। तो देखो धनायन जब उदासीन बन जाता है तो उसे क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं, और जब आपके उदासीन किस में बदल जाए, धनायन में, तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण। समझ में आई बात। तो 0 से +2 जिंक में जब होगा तो होगा ऑक्सीकरण, और जब आपके कॉपर के अंदर से क्या होगा, SO4 निकलेगा, तो उसे कहा जाएगा अपचयन। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रियाएं आप सभी लोगों के लिए क्लियर हो चुकी होगी, मुझे नहीं लगता है किसी प्रकार का कोई डाउट हो रहा होगा इसके अंदर। तो यहाँ तक की ये बातें थी अपने किसकी, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं की। अब नेक्स्ट अपने जो आता है टॉपिक वो पूरा हो जाएगा जैसे ही अपन ने उत्प्रेरक के बारे में बात कर ली, उसके बाद में अपना ये केमिस्ट्री का भी एक पूरा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, पहला वाला। समझ में आ गई बात। तो अपन किसकी बात करने जा रहे हैं, उत्प्रेरक यानी कैटेलिस्ट की। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो आपको क्या किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। आपको मोटिवेट कौन करता है, कोई इंसान करेगा, आपके घर वाले करेंगे, या कोई टीचर मोटिवेट करेगा, या कोई फ्रेंड आपको मोटिवेट करेगा। लेकिन ऐसे ही अभिक्रियाएँ भी क्या होती है, कभी कभी चलते चलते सोचती है कि अब मैं पूरी क्यों हूँ, तो उनको पूरी करने के लिए कैटेलिस्ट का यूज़ किया जाता है, जो इन्हें क्या करता है, पावरफुल बनाता है, इन्हें मोटिवेट करता है रिएक्शनों को, और फिर रिएक्शन हो जाती है। तो कैटेलिस्ट कौन से पदार्थ होते हैं वो लिखेंगे, तो आप लिखेंगे कि वे पदार्थ जो रासायनिक, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित, अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। तो उत्प्रेरक क्या करते हैं, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसके वेग में परिवर्तन ला देते हैं, परंतु इनमें खुद में कोई परिवर्तन नहीं आता है, ये पॉइंट याद रखना जरूरी है, परंतु स्वयं खुद यानी कि ये अपरिवर्तित रहते हैं। समझ में आ गई बात। ये खुद क्या रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। तो इस घटना को उत्प्रेरक मतलब तो जो आपको प्रेरित करे, लेकिन उत्प्रेरण यानी कि मोटिवेशन। समझ में आ गई बात। तो उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे अपन अगर एग्जांपल देखना चाहें तो मैं आपको एक रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट की उपस्थिति बताता हूँ। जैसे कि देखिए अपन ने लिया पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, KClO2, ठीक है, क्या लिया अपन ने, KClO3 ले लेंगे पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हो रही है,
MnO2 के प्रेजेंस में हीट के साथ में, ठीक है, किसके प्रेजेंस में हो रही है, तो 2KClO3 की रिएक्शन हो रही है MnO2 के साथ हीट में। अब तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा आपके 2KCl प्लस 3O2 बन जाएगा, ठीक है, ये एक इसका रिएक्शन है। तो ये जो MnO2 है ये एक कैटलिस्ट हुआ। ऐसे ही अपने पास में है, सपोज करिए वनस्पति तेल, और वनस्पति तेल की अगर रिएक्शन करवाई जाए हाइड्रोजन के साथ में, वो भी किसके प्रेजेंस में, Ni यानी कि निकेल के प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा वनस्पति घी। समझ में आई बात आपके? तो उत्प्रेरक क्या है, वे पदार्थ या वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। समझ में आ गई बात यहाँ तक की? और इस घटना को अपन उत्प्रेरण कहते हैं। फिर अपन ने एग्जांपल देखा 2KClO3, तो ये किसके प्रेजेंस में, MnO2 के प्रेजेंस में 2KCl प्लस 3O2 रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? अब ये जो उत्प्रेरक है इनके अलग अलग प्रकार है, तो आप लिखेंगे उत्प्रेरकों के प्रकार, उत्प्रेरकों के प्रकार। समझ में आ गई बात? किसकी बात करेंगे, उत्प्रेरक कितने प्रकार के हैं इसकी चर्चा करेंगे। उत्प्रेरक जो है वो अलग अलग आधार पर अलग अलग प्रकार हैं। जैसे पहले अगर बात करें तो इसकी अवस्था यानी इसकी जो स्टेट है कौन सी है उसके आधार पर, तो स्टेट के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार। समझ में आ गई बात? दूसरा अपने आ जाता है क्या, तो दूसरा आ जाता है क्रिया के आधार पर। किसके आधार पर, क्रिया के आधार पर, तो आप लिखेंगे क्रिया के आधार पर, ठीक है, क्रिया के आधार पर। उसके बाद में आपके आ जाते हैं, बस यही दो प्रकार है। फिर अपने उत्प्रेरकों के गुण की बात करेंगे। तो उत्प्रेरक क्या है वो आपको समझ में आ गया। अब इनकी अवस्था के आधार पर इसके दो भाग कौन कौन से हैं, तो आपको बता दूँ अवस्था के आधार पर इसके दो जो भाग बताए गए हैं वो एक बताया गया है समांगी और एक बताया गया है विषमांगी। तो पहला कौन सा हो जाएगा, समांगी उत्प्रेरक, ठीक है, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, तो वो दूसरा हो जाएगा विषमांगी उत्प्रेरक, ठीक है। ऐसे ही क्रिया के आधार पर भी अपने पास में दो टाइप है, कितने टाइप है, दो टाइप है। अब क्रिया के आधार पर कौन कौन से थे, तो क्रिया के आधार पर अपने सबसे पहले आ जाता है धनात्मक उत्प्रेरक, ठीक है, सॉरी ये तो कितने प्रकार के हैं, तो अपने पास में ये तो टोटल है चार प्रकार के, कितने प्रकार के, चार प्रकार के हैं, ये लो, ठीक, धनात्मक और फिर आपके ऋणात्मक, ये हो गए उत्प्रेरक। इसके बाद में एक आते हैं स्वतः उत्प्रेरक, क्या, स्वतः उत्प्रेरक, और एक आ जाते हैं आपके यहाँ पर जैव उत्प्रेरक, क्या आते हैं, जैव उत्प्रेरक। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो उत्प्रेरकों के प्रकार के दो आधार है, एक है उनकी अवस्था के आधार पर और एक है उनकी क्रिया के आधार पर। अवस्था के आधार पर जो दो टाइप हैं वो है समांगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरक। क्रिया के आधार पर जो चार प्रकार हैं वो है जैव उत्प्रेरक, धनात्मक, ऋणात्मक और स्वतः उत्प्रेरक। समझ में आ गई बात? स्वतः उत्प्रेरक यानी कि सेल्फ मोटिवेशन। क्लियर है? ये अपने पास में आ गए क्या,
आपके उत्प्रेरकों के प्रकार। अब दोस्तों अपने जो है आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करूंगा। अपने अगली क्लास के अंदर अपन जो है बात करेंगे जो ये छह भाग बताए हैं उत्प्रेरकों के, इन छह के बारे में, और आने वाले टाइम में अपने जो है आगे अपन किस किस प्रकार से इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के आधार पर पता लगा सकते हैं कि यहाँ उत्प्रेरक यूज हुआ है या नहीं हुआ है, इस बात को भी अपन कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अब दोस्तों अपन मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। इसके साथ मैं दोस्तों बता दूँ, ये केमिस्ट्री का भी एक टॉपिक होते ही केवल अपने दो टॉपिक केमिस्ट्री के बचेंगे, और अपने पास में इनफ टाइम है, बस आप लोगों को नोट्स बनाने हैं डेली, और डेली याद करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।